हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको किचन क्लीनिंग इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मेरा किचन बहुत गंदा है, अब मैं इसे क्लीन करूँगी। इस डस्टर से मैं एक एक सेल्फ को अच्छे से कोने कोने अच्छे से डस्ट क्लीन करके इस पर न्यूज़पेपर बिछाऊँगी। चारों ओर कॉर्नर कोने कोने से इस डस्टर से मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। इस तरह क्लीन करने के बाद मैं लक्ष्मण रेखा चौक पीस है उससे मैं कोने कोने पर लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ में चींटियाँ और कॉकरोच आ जाते हैं। उसकी वजह से हमारा जो ग्रॉसरी रहता है वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए लक्ष्मण रेखा चौक पीस घिसने से चींटियाँ और कॉकरोच नहीं आती। अब लक्ष्मण रेखा चौक पीस से लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं न्यूज़पेपर को इस तरह बिछा रही हूँ। इस तरह न्यूज़पेपर बिछाने के बाद डब्बे को एक गीले नमकीन से अच्छी तरह से पोंछ कर एक एक डब्बा वापस उसके जगह पे रख दूँगी, सेल्फ में रख दूँगी। इस तरह सारे डब्बे को मैंने क्लीन कर दिया है, एक सेल्फ के सारे डब्बे को क्लीन करके वापस से उसकी जगह रख रही हूँ, एक एक करके रख रही हूँ। ऊपर है ना, जल्दी बहुत काम हो रहा है। सारे डब्बे को क्लीन करके इसकी जगह पर मैंने रख दिया। इस तरह सारे सेल्फ को एक एक सेल्फ को क्लीन करके लक्ष्मण रेखा चौक पीस से लाइन ड्रॉ करके फिर न्यूज़पेपर बिछा कर सारे डब्बे को गीले नैपकिन से पोंछ कर रख दिया है। और ये एक सेल्फ को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जो भी दाल चावल सब्जी बनाती हूँ बनाने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद कितना नीट लग रहा है, हर सामान हर थिंग्स अपने जगह पर रखा हुआ है, नीट सा रखा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो जल्दी से मिल जाएगा। सो, इस तरह मैंने अपने किचन को क्लीन किया है। किचन क्लीन होने के बाद अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीकर मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊँगी। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हैं, ढेर सारे बर्तन हैं, उसे धोकर तो बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।